हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम मसाला। बहुत ही टेस्टी बनता है ये मशरूम मसाला, बन के तैयार होता है। रेस्टोरेंट से भी अच्छा, घर पे बना सकते हैं मेरे तरीके से आप लोग बनाएंगे तो। चलिए बनाते हैं। उसके लिए मैं मशरूम ले ली हूँ, ये धो के साफ कर ली हूँ अच्छे से। अब हम इसको काट लेंगे। आपको जैसे भी काटना है वैसे काट सकते हैं, जितना बड़ा छोटा रखना है अपने अनुसार ले सकते हैं, उसको काट के बना सकते हैं मशरूम को। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और वीडियो प्लीज़ पूरा देखना। देखिए इस तरह से हम मशरूम को काट लेंगे। एकदम इजी तरीके से मैं बनाऊंगी, जो किचन में रेगुलर मसाले यूज होता है उसी से मैं बना के तैयार करूँगी। चलिए इसी तरह से सारे मशरूम को हम काट लेंगे। देखिए मैं काट ली, और बनाने के लिए मैं कढ़ाई रख दी हूँ। कढ़ाई गर्म हो गया है। हम सबसे पहले इसमें तेल डालेंगे। मैं ऑलिव ऑयल तेल में बना रही हूँ, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे मशरूम को। फ्राई करने से बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होता है। इसमें का जो भी पानी होगा उसको हम सुखा लेंगे तेल में मिला के। हम इसको 3-4 मिनट हाई फ्लेम पर ही फ्राई कर लेंगे मशरूम को। इसी तरह से मिलाते हुए हम मशरूम को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मशरूम फ्राई हो गया है, पानी भी इसका मशरूम पानी छोड़ता है, सारा सूख गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, और उसी कढ़ाई में मैं फिर से तेल हम डालेंगे। मैं एक चम्मच तेल डाली हूँ। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और एक चम्मच में घी डालूँगी। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे कि घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे एक चम्मच। जीरा को अच्छे से चटकने देंगे, और मैं एक बड़ा इलायची डाल रही हूँ, और एक तेज पत्ता, और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। इसको मिला लेंगे। मिला के अच्छे से खड़े मसाले को पका लेंगे हम। देखिए अच्छे से पकने लगा है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। एक मैं प्याज काट ली हूँ बारीक मीडियम साइज का। इसको अच्छे से मिला के हम तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, इसका कच्चापन निकल गया है। अब हम मैं पेस्ट बनाई थी टमाटर लहसुन अदरक मिर्ची का, वो डाल देंगे। अब अपने अनुसार मिर्ची ले सकते हैं, जितना आपको तीखा खाना पसंद है। मैं एक मीडियम साइज का टमाटर ली हूँ। आपको जितना मशरूम है उसके अनुसार आप टमाटर सब कुछ ले सकते हैं। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इससे तीखा नहीं होगा, कलर आएगा। हम मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। मिला के हम मसाले को भूनेंगे जब तक कि मसाला हमारा अच्छे से तेल ना छोड़ दे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। मिला के मसाले को ढक के हम भूनेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुना गया है। देखिए तेल ऊपर आ गया है मसाले के, कढ़ाई में छोड़ने लगा है तेल। अब हम घी दही डाल देंगे इसमें। दही में 3-4 चम्मच दही ली हूँ मैं, घर का दही है। इसको अच्छे से मसाले में मिला के इसको भी ढक के हम भून लेंगे 3-4 मिनट। देखिए अच्छे से भुना गया है, दही भी अच्छे से पक गया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है मसाले में। अब हम इसमें मशरूम को भी डाल के मिला लेंगे मसाले के साथ अच्छे से। मशरूम को इसी तरह मसाले में मिलाते हुए हम हाई फ्लेम पर ही इसको भी पका लेंगे 2-3 मिनट। ऐसे मसाला मशरूम में सब अच्छे से मिल जाएगा, पक जाएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी में। और एक मिर्ची मैं डाली हूँ बीच से कट करके फ्लेवर के लिए। आप अपने अनुसार मिर्ची डाल सकते हैं, जितना आपको तीखा खाना पसंद है। देखिए अच्छे से सारा पक गया है। हम इसमें पानी डाल देंगे। आप अपने अनुसार पानी डाल सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी रखना है। मैं एक कटोरी पानी डाली हूँ। अब इसको हम हाई फ्लेम पर एक उबाल आने तक पकाएंगे, फिर लो फ्लेम पर इसको ढक के हम 5 मिनट तक पका लेंगे।
ये देखिए सब्जी हमारा अच्छे से पक गया है, एकदम देखिए कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ है सब्जी। अब हम इसमें थोड़ा सा क्रीम डाल देंगे, 2-3 चम्मच। मैं घर के दूध का ही क्रीम, मलाई निकाल के क्रीम बना के इसमें डाल रही हूँ। आपके पास नहीं होगा तो आप बाहर का भी इसमें यूज कर सकते हैं। इसको भी ऐसे हाई फ्लेम पर हम पका लेंगे क्रीम को भी, और ये तेजपत्ता निकाल देंगे। अब सब सब्जी में इसका फ्लेवर आ गया है। अब इसी तरह से हम क्रीम को पका लेंगे। देखिए बहुत ही एकदम कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें हम धनिया पत्ता अब डाल देंगे, डाल के इसको भी मिला लेंगे। सब्जी हमारा रेडी हो गया है, चलिए प्लेटिंग कर। ये देखिए एकदम रेस्टोरेंट के जैसे बन के तैयार हुआ है सब्जी, चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर से बनाना, आप लोग का कैसा बना है कमेंट में ज़रूर से बताना। आप इसको किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। ऐसे बनाएंगे तो घर वाले बहुत तारीफ़ करेंगे, और बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं रोटी के साथ देखिए प्लेटिंग की हूँ, आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, पूरी पराठा कुलचा नान चावल।